सो भाई मॉर्निंग तो नहीं है, खैर इसको गुड आफ्टरनून ही कह लो, कैमरा साफ कर लो। तो स्वागत आप सभी लोगों का हमारे अगले व्लॉग वीडियो, जो आप कहना चाहें। तो काफ़ी समय से हम गायब हैं, तुम ज़रा वॉल्यूम ऑफ हो जाओ। हाँ जी, तो अभी काम हम निपटा के अपना पम पम से जा रहे हैं अपने घर की तरफ। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अप्रैल के अंदर, जो कि हम ट्रिप पे गए थे अपनी, घूमना गए लो से यार, घूमने ही गए थे, मतलब ट्रिप तो क्या ही बोलोगे, ये ट्रिप और घूमने बात बराबर ही होगी। तो हम गए थे दार्जिलिंग, तो वो वीडियो डाली थी सारी मैंने लगभग, जो ये चीज़ें मैंने घूमी, ठीक है। और उसके अलावा एक लास्ट वीडियो उसकी जो डालनी थी मेरे को, वो मैं नहीं डाल पाया, वो थी कसिनो की, जब हम गैंगटॉक में थे तो हम वहाँ जो है डेल्टन जो कसिनो है वहाँ गए थे, तो वहाँ की एक वीडियो थी, क्योंकि अंदर तो उन्होंने कैमरा अलाउड करानी, ठीक है। और उसके अलावा जब कैमरा अलाउड कराई नहीं तो क्या ही मैं उसके अंदर बता सकता हूँ मैं, हाँ, पर ये कि मोटा मोटी एक बात बता दूँ कि एंट्री फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके अंदर आपका जो फूड ड्रिंक्स ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तीन टाइप की टिकट होती हैं, एक शायद से 1500 वाली थी, 2500 वाली थी, 3500 ऐसी कुछ होती है, और 500 रुपये कुछ आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, कुछ मतलब कुछ अमाउंट था, तो उसे एक को 500 रुपये का एक चिप मिलता है, जो कि आप ऊपर जाके यूज़ कर सकते हो, जो दो तीन गेम्स हैं, तो मतलब काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हो। तो कुल मिला के भाई वहाँ का एक्सपीरियंस, मतलब नई चीज़ देखी, अच्छा भी था, और ऐसा कोई हम लाखों करोड़ों रुपये जीत के नहीं आए, जो थे जेब के चिप्स वाले जो पैसे थे वो ही डूबे। उसके अलावा तुम्हारी श्रद्धा भाई, जितना खेलना चाहो उतना खेल सकते हो, तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं करा, जो भी अमाउंट था, कुछ हमारी जो भाभियाँ साथ में गई थी वो छोटे छोटे अमाउंट अपने जीत के लेके आई, वो उन्होंने सेफ खेला, ठीक है। पर हम जितने मेल कैंडिडेट थे, हम थोड़े ग्रीडी थे, लालची थे, तो जो हम जीत रहे थे हम वो भी एट दी एंड हार के आ गए, ऊपर से अपनी जेब का पैसे थोड़ा बहुत दे के आ गए, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दे के आ गए, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है कि अब होता ना कि मैंने भी क्या सोच रखा था कि जब तक कुछ एक परमानेंट उस पर नहीं आऊँगा ना दिखाने लायक कि क्या मैं दिखा सकता हूँ, तब तक मैं शायद कुछ भी नहीं बनाऊँगा वीडियोस के अंदर, क्योंकि यार जैसे कि आजकल जो चल रहा है ना, जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, व्लॉगिंग चल रही है सबकी, तो अभी कह रही ना वो करा था ना, रोस्ट किया था तो व्लॉगर्स के ऊपर, तो भाई वही चीज़ है कि हर एक कंटेंट क्रिएटर व्लॉगर भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। कंटेंट क्रिएट करना तो यार चीज़ें अलग अलग करो यार, व्लॉगिंग के अंदर आप अपनी डे टू डे लाइफ ही दिखा सकते हो, वो बात अलग है, या तुम पे बधेरा पैसा है, तुमने ये करना, तुमने वो करना, तुम वही चीज़ दिखा रहे हो, वो अभी देख रही है, ठीक है। अब क्या है भाई, व्लॉगिंग के लिए मैं तुमको बताऊँ जो मैं समझ में आ रहा है मेरे को, तो उस वीडियो का टाइटल भी रखूँगा, हाउ टू बिकेम ए सक्सेसफुल यूट्यूब व्लॉगर, है ना। अब क्या है कि अब मेरा क्या मानना है, पहले उस पर आ जाते हैं, ये थोड़ा सा जब थोड़े ब्रेकर वगैरह आते हैं तो ये भाई साहब थोड़े बीच में आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कि यूट्यूब जो व्लॉगिंग है ना, व्लॉगिंग का मतलब क्या है कि अपनी डे टू डे लाइफ दिखा रहे हो, ठीक है। अब उसमें कंटेंट क्रिएटर आ जाते हैं, जो आपके कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब मुझे एक बात बताना आप सभी लोग, अब जैसे मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ सिंपली सेम है, ठीक है। मैं सुबह उठूंगा, अपने काम करूंगा, अपना जो भी है पंप जाऊंगा, जो भी अपने काम है बाहर के वो निपटाऊंगा, और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग क्या, ऑलमोस्ट कहते हैं 90-95% लोग जो होते हैं, ये उनका शेड्यूल एक ही होता है, उस शेड्यूल के अंदर है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि फैमिली को आप शो कर रहे हो, अपने आप को शो कर रहे हो, क्या चीज़ें अलग हो सकती हैं, क्या चीज़ें अलग नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बट सबका रूटीन एक ही होता है, सबने सब उठना, अपना कोई ना कोई काम करना है, ठीक है। अब ये जो व्लॉगिंग लोगों की चल रही है, जैसे बहुत लोगों ने जिनको रोस्ट किया था, वो बेसिकली उनकी जो मेन जो सोर्स है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने भाई यूट्यूब में जो बहुत पहले किए उन्होंने पैसा पीट फूट कर बिजनेस में डाल लिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यार कि अपनी लाइफ आपने दिखानी है। अब भाई उनकी लाइफ में आप देख जितनी व्लॉगर्स देखोगे ना, तो उनकी ये चीज़ नोटिस करना, उनकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ हो रहा होता है, डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, ठीक है। अब साला दिक्कत वहाँ क्या है कि और अच्छी बात है, ठीक है, वो तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, तो अपने आपको कंटेंट क्रिएटर बोलो ना, तो उसको व्लॉग नहीं मत बोलो, उसको वीडियो बोलो कि आपको आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। क्यों यार, तुमने क्या दिखाना है, क्या आज मेरे संग ये हो गया, आज मैं ये करने जा रहा हूँ, आज मैं वो करने जा रहा हूँ। साला 365 दिन शॉपिंग कौन कर सकता है भाई, हम तो नहीं कर पाते। हम साला ओकेशन देख रहे हो, दिवाली आ गई, होली आ गई, रक्षाबंधन आ गया, इसके आसपास शॉपिंग करनी है, चलो घर का कुछ काम वाम है वो कर लेंगे,
तो ये सारी चीज होती है। 365 दिन शॉपिंग कौन कर सकता है भाई? मैं तो नहीं जा सकता, क्या कहते हैं, हर हफ्ते और जारा के शोरूम ये करने वो करने, अपने आपको पैम्परिंग करने। भाई नाइकी की दुकान पर जाते हैं 2 महीने में या फिर 1 महीने के अंदर एक बार आ जाओ तुमने, बाकी आ जाते हैं। तो यही चीज होती है, ठीक है। बट इन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अब मैं ये सब की बकवास कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मन कर रहा है बकवास करने का। और उसके अलावा अपन आते हैं कि अपन ने ये सब स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से 1 साल पहले है ना, अगस्त में ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैंने मतलब काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, घूमने गया, फिटनेस के वीडियोस बनाए। फिटनेस के ऊपर जब मैं आता हूँ तो भाई उसमें बहुत सारे चैलेंजेस लिए और सारे चैलेंजेस खराब रहे क्योंकि मैं खुद इनको फुलफिल नहीं कर पाया वेट लॉस के लिए। तो तकरीबन उसके बाद मेरा ना, जब अब बोलूँ तो मेरा वजन 15 किलो बढ़ ही गया है। लास्ट एक जो वीडियो मैंने डाली उसमें 84 था समथिंग अराउंड में, और अच्छा खासा 100 जाने वाला था, बट बीच में मैंने कहा नहीं भाई कुछ गलत हो रहा है, इतना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करी कि मेरे को ये सब करना है, तो जिम विम स्टार्ट कर दिया मैंने, एक नई जिम ज्वाइन करी है, नया ट्रेनर है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं मंडे से मैं उसको अपलोड करूँगा। एक बार थोड़ी जो बॉडी ना स्ट्रेच हो जाए ढंग से प्रॉपरली, जो दर्द वर्द जो होता ना जो सब खत्म हो जाए, तो प्रॉपर एक फिटनेस जर्नी अपन डालेंगे। और इस बार फॉर श्योर सोच रखा है जब तक 20 किलो वजन कम नहीं होगा ना वीडियो रुकेंगे ना मैं रुकूंगा, ये चीज़ मैंने सोच रखी है। तो उसी चीज़ को आगे चल के मैं दिखाऊंगा। अब जो मेन पॉइंट था हमारी वीडियो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बन सकते हो मैं बताता हूँ क्या करना तुमको। सुनो, सबसे बेस्ट है कि देखो पैसे से पैसा बनता है, ये फैक्ट है, और हकीकत भी यूट्यूब में ही चल रही है, पैसे से ही पैसा बन रहा है। आप कुछ भी, आपकी है ना लाइफ में ना कुछ भी देखने के लिए कोई भी बैठा नहीं हुआ यार, सबकी जिंदगी बसड़ी बैठी हुई है, ठीक है। तो आपकी बसड़ क्यों कोई देखने आएगा? अब जो ब्लॉगर्स हैं जो बसड़े दिखा रहे हैं अपनी, अब वो बात अलग है, अपनी बसड़ों को बहुत हाई लेवल का कर देते हैं कि आज मेरी BMW ठुक गई, आज मेरा आईफोन टूट गया, आज हमने शॉपिंग में 2.5 लाख खर्च कर दिया, आज मैंने 5 लाख खर्च कर दिए। उनके लिए जो मतलब उस लाइन में है ना, तो उनके लिए मतलब समझ जाओ यार, पैसा उनके लिए कुछ नहीं है, वो पैसा देखने के लिए हम सब जा रहे हैं, सच बात यही है यार। और जो मिनी व्लॉग्स वाला चला सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं, उतने कैपेबल नहीं पर दिखा रहे, वो चीज़ अभी बढ़िया है भाई, आप देख रहे हो। बट इंसान किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? अपने से अच्छी चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा ना यार, जो हमारे पास नहीं है। अब मैं किसी को देख रहा हूँ यार, ठीक है यार, BMW उस पर फॉर्च्यूनर है, ये मेरे पास नहीं है भाई, मेरे को इंटरेस्ट आएगा देखने में, वही सारी चीज़ है। तो वो वही चल रहा है यार, पैसा दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आपको बनना मानो क्या करो, सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ, घर से उठाओ 20 लाख रुपए। मैं तुमको आज यूट्यूबर बनने की है ना फुल तरकीब बता रहा हूँ, ठीक है, और ये कोई नहीं बताएगा तुमको, और शायद हो भी सकता है बहुत लोगों ने बताई हो, पर जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, जिस मतलब इसका सक्सेस रेट ये है कि 110% साला मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब होता है ना, किसी बाप नहीं रख सकता कि इसके अंदर तुमको सक्सेस ना मिले। तो वो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ, 20 लाख रुपये घर से उठाओ, ठीक है, एक गाड़ी कराओ बुक, पहला व्लॉग मिल गया कि मैं गाड़ी बुक करा के आया हूँ, ठीक है। लोग हाइप होती है देखते हैं कि हाँ कौन सी गाड़ी बुक करा के आया है, ठीक है, चलेगी, मैं बोल रहा हूँ चलेगी। उसके बाद ठीक है, फिर ऐसी तुमने क्या करा, गाड़ी फिक्स कर ली, 3-4 गाड़ियाँ देखी, उन सबके ब्लॉग डाल लिए, बन गया 5-6 वीडियो कंटेंट, ठीक है भाई, 2 दिन में भी अपलोड करो बहुत है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि तुमने एक गाड़ी बुक कराई, फिर बोल दो कि मैंने कैंसिल करा दी, दिखाओ तुम ये दिखाओ कि मतलब 5-6-7-8 वीडियो बना लो कि मैं ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये है फलाने दूंगा, भले तुम्हारी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, तुम भी जानते हो, ठीक है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या है। हर जो जो थार वार लेके जो आधे से ज़्यादा जनता बैठी है, ऑफ रोड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कौन है इतना कैसे घूम लेते हो भाई? घूम पा रहे हो तो बहुत अच्छी किस्मत है, नहीं घूम पा रहे हो तो भाई हमारे ऐसे लोग इतना नहीं घूम सकता भाई, मैं नहीं घूम पाऊंगा। ये कि जब मेरे पैसे में पैसा आ जाएगा, मेरे सारे सेटल्ड हो जाएंगे कि अब मेरे पर टाइम आ गया, तब भी इतना नहीं घूम पाऊंगा जितने लोग घूम लेते हैं, क्योंकि चलो उनका ब्रेड एंड बटर वही है, घूमना ही है, अच्छी बात है, ठीक। अब यह करना, उसके बाद कुछ नहीं करना, ये अपने गाड़ी फाइनल कर ली, गाड़ी बुक कर दो भाई, उसके बाद बताओ मत, ये दिखाओ कि इतनी सारी गाड़ी, पहले लो हाई बना लो, ये गाड़ी बुक कर रहा हूँ, ये गाड़ी बुक कर रहा हूँ, हाई बनाने का सीधे एंड में एक वीडियो डालो, सारी कैंसिल करिए, मैंने ये बुक करा दी, आपका इसी चीज़ में 10-15 वीडियो बन जाएंगे, पब्लिक देखेगी भी। उसके बाद एक गाड़ी की डिलीवरी ले लो, एक गाड़ी की डिलीवरी ली, उस डिलीवरी लेने के अंदर ही तुम्हारे 2-3 ब्लॉग निकल जाएंगे, तुमको ही नहीं पता चलेगा, ठीक है भाई साहब। क्या हुआ, हमने गाड़ी ले लिया, पब्लिक इंटरेस्ट है भाई, पैसा खर्च कराया लौंडे ने यार, देख लें कौन सी गाड़ी क्या है, अब क्या होगा, बन गया वीडियो। उसके बाद भाई प्रोज एंड क्रॉन्स पे आ जाओ, मतलब प्रोज एंड क्या था, कौन से प्रोज पे आ जाओ, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और प्रो क्या है, तो वो दिखाओ, उसके अंदर एक वीडियो निकल गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद माई फर्स्ट 1000 किलोमीटर निकल जाओगे छोटी सी ट्रिप पे, हाँ भाई 1000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, हमने ये करा, हमने वो करा, गाड़ी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया,
ठीक है भाई साहब एक और आ गई, उसके बाद कुछ नहीं, आज मैं गाड़ी के अंदर सीट के ऊपर डलाने वाला हूँ, आज मैं गाड़ी के अंदर क्या कहते हैं टायर डलाने वाला हूँ, डलाने तुम्हारा कुछ नहीं, डेढ़ दो महीने भाई तुम्हारा डेली तुमको वीडियो मिल जाएगी, पब्लिक देख रही होगी, ठीक है बेच दो दूसरी खरीद लो। भाई आजकल व्लॉगिंग में यही चल रहा है भाई, सब शो ऑफ करने बैठे हुए हैं, ठीक है, और पब्लिक को मजा ही आ रहा है शो ऑफ करने में। अगर आपको मतलब यूट्यूब में घुसना चाहते हो, ठीक है, अब तो यही कर लो, सबसे सक्सेसफुल है। अब मुझसे भाई पूछोगे तो भाई मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पहली बार इतना पैसा ही नहीं है, ठीक है, और इन सब की बसड़ है, पाल नहीं सकता कि ये करो वो करो ना भैया। जब एक मेरे को जब लगेगा कि हाँ कि अब मैं डिसेंट, मैं भी करूँगा ये सब, जब मेरे पैसा आएगा तो मैं भी करूँगा, कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल हो, व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर बढ़े, हर कोई चाहता है यार, फेम सबको पसंद है, मेरे को ही पसंद है, ठीक है, उसके लिए जब मैं जब तक होगा ना, मैं अपने आप को जब तक सेटल नहीं कर लेता सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है, तब तक मैं ये सारी बसड़े पाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। एक टाइम आएगा कि यहाँ गाड़ी हो, डिलीवरी वेलीवरी सब करेंगे, पहले पैसा कमा ले, पैसा नहीं है, उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने जो अर्निंग वर्निंग जिससे भी कर रहा है वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है। और ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको थोड़ा मैं कट कर दूंगा, अभी रिकॉर्ड करते करते 12-13 मिनट हो चुके हैं उसको। उसके अलावा आते हैं, हाँ अपना आगे का शेड्यूल क्या है, मैं तुमको बता रहा हूँ, आगे का शेड्यूल ये है कि अब डेली कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड किया करूँगा, मैं पूरे दिन में क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और जो भी हो सकता है दिन की, देखो मेरे ये फिक्स है कि मैं जो दिन में कर रहा हूँ मेरा ऑलमोस्ट रूटीन सेम ही होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने की होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाने की होती हैं मेरे अकॉर्डिंगली। बहुत लोग होते हैं कि सारा सब कुछ दिखा दिया उसके लिए कॉन्टेंट वॉन्ट, मैं नहीं हूँ भाई, पहले काम प्रायोरिटी है मेरी, अगर वो चीज़ होगी दिखाने लायक तो बिल्कुल मैं उसको थोड़ा बहुत दिखा लूँगा, और थोड़ा मेरे को भी समय लगेगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह रहेंगी, वो सारी वीडियोज़ मैं पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा बाई मंडे ट्यूजडे से, उसको पोस्ट करूँगा, क्योंकि अभी जो मेरे नया जिम है, जो मेरे नई ट्रेनर हैं, तो मतलब ट्रेनर जो है नहीं, समझ जाओ लड़का ही है, ठीक है, तो पहले वो सारी चीज़ें देखूंगा, ठीक है, पहले हम दोनों के बीच ट्यूनिंग कैसे बैठ रही है, हम एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डेली, और साथ में जो ट्यूनिंग बिठाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड फिर यार जब कंटेंट क्रिएट के अंदर ढंग से करेंगे ना, और इस बार मैंने ठान लिया कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक और इसका ना मेरे को इस बार वेट लॉस का कसम सही बताऊं, रीज़न क्या था मेन, चलो कल वीडियो शूट करूंगा वो बताऊंगा भाई कि इस बार करना ही क्यों है, तुम लोग ही बोलोगे यार करना चाहिए भाई, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, किसी ना किसी प्रकार की वीडियो में कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा, अगर आज ही अपलोड हो रही है, ठीक है, अगर आज जितने भी लोग हैं, मेरे को पता है मेरे घर वाले ही हैं जो ये सब देखेंगे, 10-15-20 लोग जो भी हैं, ठीक है, तो अगर आज ये वीडियो आ रही है तो ये मैं कन्फर्म हूँ कि कल परसों से डेली वीडियो आएगी। हाँ संडे वाले दिन नहीं डालूंगा, संडे वाले दिन भाई हमारा आराम करो, घूमो फिरो, मजा करो, सीधी बात, ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली कल आएगी, अगर ये आई तो।